Yes, स्वागत है आप सभी हमारे इस चैनल पर जहां हम डिस्कस कर रहे हैं प्लेडियम केमिस्ट्री और अब तो लगभग खत्म भी होने वाली है बहुत सारी चीजें डिस्कस करी हमने आज के लेक्चर में हम वैकर प्रोसेस को टच करेंगे वैकर प्रोसेस के अंदर क्या मैकेनिज्म होती है और इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी जानेंगे लेकिन उससे पहले हमने कुछ टोस्ट टी सूजी रियाक्शन के होमवर्क भी आपको दिए थे उम्मीद करते हैं कि आपने उन होमवर्क क्वेश्चन को भी ट्राई किया होगा और आप करके आए होंगे ठीक है हमने क्लेडन का एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था नाउ दिस इज माई लेक्चर नंबर नाइन जिसमें हम वैकर प्रोसेस डिस्कस करेंगे शायद लेक्चर टाइटल थोड़ा अलग है अभी तो है पर मैं इसे बाद में सही करवा दूंगा कि कुछ लेक्चर एक्सचेंज हो गए हैं बट दिस इज अवर लेक्चर नंबर नाइन जिसके अंदर हमें वैकर प्रोसेस को डिस्कस करना है जी ठीक है आप सभी का स्वागत है लाइव सेशन में गुड इवनिंग

कोई नहीं सर कोई बात नहीं सर मैं समझ गया था चलो बढ़िया है अगर आप लोग खुद ही समझ गए थे तो बिकॉज क्रोनोलॉजी वैसे ही चल रही है अब तभी तो आएगा। आए। आश्वी, आप सभी को एक बार फटाफट से रिकेप कर देता हूं जब तक बाकी लोग जुड़ेंगे तब तक चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमने डिस्कस कर रखी है बाप रे बाप बहुत कुछ पढ़ लिया हमने नोट्स कॉपी तो आपकी मोटी मोटी सी बन गई होगी मुझे लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आप सीख ही रहे कल हमने ये देखा था कि अगर विनाइलिक हमें दिया जाए तो इसके केस में हम किस तरीके से ट्रोस टिशुजी का सवाल कर सकते हैं राइट right, एक सेकेंड दें आप मुझे क्या मेरी वीडियो क्वालिटी और बेहतर हो सकती है क्या टह ये रहा मैं और अब सही दिखूंगा आपको हां जी तो विनाइलिकाइड्स अगर हमारे पास होते हैं तो हम प्रोडक्ट्स वन फोर एडिशन का किस तरीके से बनाएंगे ये देखा था जुटर फॉर्म के अंदर हमें अपना अलाइल कॉम्प्लेक्स मिलता है ये भी समझा था हमने ऐसे क्लेडन के क्वेश्चन को धुआं उड़ा दिया था एक ये भी क्वेश्चन देखा था जिसमें एडनिन जैसा मॉलिक्यूल इस्तेमाल कर रहा है न्यूक्लियो और स्टीरियो के साथ हमने इन प्रोडक्टों को समझा था कुछ बेसिक स्टेप्स और ऐड किए गए थे इनको भी समझते हुए आगे बढ़े थे हम और तो और एक क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क दिया था जो कि ये है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस क्वेश्चन को किया भी होगा इस क्वेश्चन में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी हैं जिसे हमें देखना है समझना है तो आइए उनको भी डिस्कस करेंगे हमने इस क्वेश्चन को एक्सटेंड करके आगे तक बढ़ाया था उम्मीद करते हैं आपने फाइनल आर प्रोडक्ट तक चीजें बनाई होंगी एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने किस तरह के प्रोडक्ट्स बनाए हैं और आपके प्रोडक्ट्स कैसे हैं जी कंकरेंट वॉचिंग बीस और लाइक like सिर्फ सात ये कहां का इंसाफ है बताइए ये कैसा इंसाफ किया आपने हमारे इस मेहनत का बिल्कुल इंसाफ नहीं है भाई गुड इवनिंग नम्रता गुड इवनिंग सुप्रिया शेयर जरूर करना है सेशन को आपको फर्ज आपका बनता है हमारे साइड से जो हो सकता था वो तो हमने कर दिया है सर होमवर्क वाले क्वेश्चन में रिंग बनाते हैं लास्ट में प्रोटॉन निकालने के बाद बिल्कुल रिंग तो बनने वाली है लेकिन सवाल यह है कि कितने मेंबर की रिंग बनने वाली है ये है इंटरेस्टिंग चीज चलिए प्रोसीड करने के लिए सर सबसे पहले आपको पैलेडियम सजा के दिया हुआ है तो आप अपना पैलेडियम ले आइए पेलेडियम सबसे पहले इस एल्कीन वाले सेंटर से बाइंड करेगा और इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बहुत ही बढ़िया अब अब मेरे पास एक साइड पर ओ एच OH फंक्शनल रूप है और एक साइड पर ओ एसी फंक्शन रूप है और अगर देखा जाए तो दोनों ही अलाइलिक सेंटर्स पर ही प्रेजेंट है सर पर आप मुझे बताएंगे कि दोनों अलाइलिक सेंटर्स में से हम किसको घर से निकाल देंगे क्या वो ओ एच ग्रुप होना चाहिए या वो ओ ग्रुप होना चाहिए यस गुड इवनिंग जिया गुड इवनिंग श्रद्धा गुड इवनिंग जड्डू ओपी गेमिंग नहीं, आपने तो आंसर ही किया है ठीक है फिर भी चलो नाउ बहुत बढ़िया सर ओ एक बेहतर लिविंग ग्रुप होगा क्योंकि उसको निकालने के बाद आपका अनायन स्टेबलाइज बहुत तगड़ा होगा नेगेटिव चार्ज और इसके साथ अगर असाइल ग्रुप लगाओगे तो ध्यान से देखो नेगेटिव काफी स्टेबल हो रहा है अब ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो क्या होने चाहिए इस सेंटर पर एक ओएच OH ग्रुप यहां सर दो हमारे पास मामले आके लग जाएंगे और इस सेंटर के ऊपर हमारे पास आके लगेगा पेलेडियम तो यहां हमने क्या लगा दिया अपना पेलेडियम ग्रुप लगा दिया बहुत बढ़िया एक अलाइल कटाइन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हुए जी हमने अपना प्रोडक्ट बना दिया है उसके बाद यहां से आगे बढ़ना पड़ेगा अब हमारे पास एक अलाइल कटाइन कॉम्प्लेक्स है ये जो ओ ए सी माइनस है वो इसमें से प्रोटॉन निकाल लेगा और हमारे पास एक न्यूक्लियो फाइल भी तैयार हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ ओ एम ई और इस सेंटर से सी डबल बॉन्ड ओ ओ एम ई मेरे पास चॉइस तो अटैक करने की दो सेंटर पे है एक ए सेंटर भी है और एक बी है मान लो कि तुमने ए सेंटर से अटैक करा भी दिया तो आपको कुछ खास हासिल नहीं हो पाएगा हम क्या करेंगे सबसे पहला जो अटैक होगा वो बी सेंटर के ऊपर होगा ताकि ये दोबारा से इस सेंटर के ऊपर शिफ्ट हो सके यहां से प्रोडक्ट बनाते वक्त आपके पास दोबारा से एक एल्कीन बनेगी और इस सेंटर पे आपके पास जो ग्रुप लगेगा वो पूरा का पूरा न्यूक्लियो फाइल आके लग जाएगा तो हमने उसको फिलहाल कर उम्मीद करते हैं आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं अगला केस देखना आपके पास ओ OH एच देने का एक ही मतलब ओ OH एच के साथ इन ग्रुपों को देने का एक ही मकसद है क्या कि सर हम इस OH ग्रुप को भी प्रोटेक्ट कर लें और उसके बाद फिर से एक बार यही सेम रिएक्शन कंटिन्यू करा सकें तो ये कैसे होगा इतना खतरनाक बेस दिया हुआ है ये इसका प्रोटॉन निकाल लेगा और असाइल ग्रुप आके इसे प्रोटेक्ट भी करेगा तो इसी सेंटर से हम एक अपना ग्रुप लगा देंगे जहां ओ एच OH फंक्शन ग्रुप तब्दील कर दिया गया है किसके अंदर एक ओ फंक्शन ग्रुप के अंदर इस वाले सेंटर पे हमारे पास दो मी लगे हैं और यहां से जी हमारे पास ये पूरा का पूरा ग्रुप भी अटैच होगा बोलो बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही नाउ से अगले स्टेप के अंदर फिर से जब पेलेडियम आके बाइंड करेगा तो दिस इज गोइंग तो टू अटैक एट अट दिस सेंटर और ओ ग्रुप यहां से बाहर निकल जाएगा एंड अगेन वी आर गोइंग टू जनरेट सेंटर जहां कुछ फिर से टाइन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन और हमारे पास इस वाले सेंटर के ऊपर क्या लगा होगा दो मीथाइल लगे होंगे एंड माई सेंटर इज अवेलेबल विथ टू एस्टर फंक्शन जी कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स बना होगा क्या आप यहां तक आप आए थे अब आपके पास एक बहुत तगड़ा बेस भी दिया गया है सोडियम हाइड्राइड जो कि इस पर्टिकुलर सेंटर का आप मुझे बताएंगे कि मुझे अटैक किस सेंटर पे कराना चाहिए यहां कुछ अनोखी चीजें आपके सामने आएंगी हाँ जी फटाफट से लिखेंगे सर मेरा कल मेरा इंटरव्यू है पीएचडी का बीएचयू में और कोई टिप्स दे दें ओके तो जिया आपने अपने टॉपिक्स उम्मीद करते हैं चूज कर लिए होंगे और इंटरव्यू में यह ध्यान रखना है कि आप कोई ऐसे टर्म्स का इस्तेमाल ना करें जिसके बारे में आपको पूरी क्लियरिटी ना हो जैसे मान लो कोई भी पर्टिकुलर आंसर करते वक्त उन टर्म्स का इस्तेमाल ना करना जिसमें आपको कंप्लीट डेप्थ से नॉलेज ना हो क्योंकि आपका अगला क्वेश्चन पीएचडी इंटरव्यू में वहीं से निकल के आएगा जो आपने अभी आंसर किया है तो इस वजह से जो वही बताना है जो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो आंसर करते वक्त कई बार हमारे मन में ऐसी भी फीलिंग आती है यार सुना तो ये भी था ये भी जोड़ के बता देते हैं बस यही मत करना ठीक है ना जो कॉन्फिडेंस के साथ आता है वही बताना है बाकी, आपको बाकी ऑल कल के लिए एंड आई होप आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा जैसा भी होगा आप हमें लाइव क्लास में इंफॉर्म जरूर करिएगा ठीक है तो योर क्लास इज एट ऑफलाइन सेंटर या ऑनलाइन सेंटर मतलब ऑनलाइन सेंटर कह रहा हूं ऑनलाइन होने वाला इंटरव्यू या आपका ऑफलाइन होने वाला इंटरव्यू क्या कर रहा हूं मैं बहुत बढ़िया देखो यार सभी लोग ए ऑप्शन बता रहे हैं करना भी चाहिए ऑप्शन आपकी जगह मैं होता ना तो मैं भी यही करता मैं भी ए ऑप्शन ही बना के आता लेकिन जब हम क्लेडन किताब में इसका आंसर देखते हैं ना तो एक सरप्राइजिंग चीज हमारे सामने आती है क्या सर अनायन ने अटैक बी सेंटर पे किया होता है और हमारे उम्मीदों के खिलाफ जैसे ऑर्गेनिक हर बार काम करती है उसने थ्री किरिंग बना रखी है सर क्या करें हम छोड़ दें क्या ऑर्गेनिक पढ़ना समझ ही नहीं आता है जो हम करते हैं वो होता क्यों नहीं है अरे कोई बात नहीं भाई परेशान नहीं होने का समझाते हैं देखो कुछ रीजन बैकअप करते हैं जब आप अपने दोनों सेंटर्स को देखोगे ना फर्स्ट सेंटर को और इस वाले सेंटर को तो दोनों ही सेंटर्स के ऊपर ना काफी बल्कि बल्कि ग्रुप्स लगाए गए हैं दोनों ही सेंटर्स जो हैं, वो बहुत बड़े साइज के ग्रुप्स को कंटेन करता है यही कारण होगा कि यहां पे जो प्रोडक्ट हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो एक थ्री मेंबर की रिंग का प्रोडक्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आर प्रोडक्ट जो फाइनल बन रहा है ना वो दिखने में कुछ ऐसा है इसीलिए कमजोर दिल वालों के लिए ये क्वेश्चन है ही नहीं वही करेंगे जिनके पास क्या कहते हैं करेजा काफी स्ट्रांग है जिनका ठीक है जी बिल्कुल जड्डू ओपी गेमिंग ऐसा स्टेरिक हिंड्रेंस स्टेरिक फैक्टर्स की वजह से ही हुआ है जिसकी वजह से एक ना चाहते हुए भी तीन मेंबर की रिंग फॉर्म हो पा रही है बात समझ में आ रही है। आपको इन क्वेश्चन में ये नहीं देखना कि मेरा आंसर तैयार आया नहीं आपको यह देखना है कि आप जब प्रोसेस में उतरते हैं क्वेश्चन करने के क्या आपका थॉट प्रोसेस भी वैसे ही काम करता है जैसे मेरा करता है या जैसे मैं सॉल्व करा रहा हूं तभी आप इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे अगर ऐसे नए क्वेश्चंस भी आपके सामने आएंगे तब ठीक है तो ऑर्गेनिक जब थोड़ी सी एडवांस लेवल पे जाती है तो आपके सामने चीजें ऐसी हो सकती हैं तो उसको देख के छोड़ नहीं देना है हार नहीं मान जाना ठीक है ना चल व्हाट मैटर्स इज योर अप्रोच कि आप सही अप्रोच के साथ फॉलो कर रहे हैं चीजों को आइए अब चर्चा करेंगे लेवल पांच पे आ गए हैं ट्रोस्टिजी रिएक्शन के अंदर ठीक है जी सर स्टेरिक फैक्टर देखो यार जो दोनों सेंटर्स हम देख रहे थे ना यहां पर क्या लगा हुआ है कहा गया ये रहा यहां भी सीएस थ्री लगा है और यहां भी सीएस थ्री लगा है एक सी थ्री और ये कौन सा सी थ्री ये दूसरा सीएस थ्री ठीक है ना इन दोनों सीएस थ्री के की वजह से और जिस सेंटर से अटैक कर रहे हैं उसके ऊपर भी क्या लगा है एस्टर लगा है और एस्टर लगा है। जन, जिन सेंटर्स के बीच में एक नया बॉन्ड बनाओगे अगर फाइव की रिंग बनाओगे तो काफी स्टेरिक सेंटर आपस में मिलेंगे इनी फैक्टर्स के वजह से अटैक एक लेस स्टेरिकली हिंडर्ड सेंटर पे प्रेफर किया गया ठीक है सर पेपर में पार्ट ए नहीं करें तो कोई फर्क पड़ता है क्या अगर पार्ट बी और सी करना चाहते हैं ऐसा कर सकते हैं रिदि फर्क तो नहीं पड़ता है लेकिन वो बोनस नंबर है उन्हें छोड़ना नहीं है मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं लेकिन बच्चों को कभी रिकमेंड नहीं करता ना मैं आपको रिकमेंड करूँगा मैं नेट के पेपर में जब मैंने किया था मैंने पार्ट ए में सिर्फ और सिर्फ दो क्वेश्चन किए थे और वो दोनों क्वेश्चन सही थे मैंने पार्ट ए में ज्यादा समय इन्वेस्ट नहीं किया था क्योंकि मेरा मानना है कि मेरी रीजनिंग मेरी मैथमेटिक्स पोर्शन एज कंपेयर टू केमिस्ट्री पोर्शन थोड़ी वीक है तो मैं वो सोचता था कि मैं वो समय अगर केमिस्ट्री में इन्वेस्ट करूंगा तो शायद एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही कर लूंगा लेकिन पार्ट ए में नहीं कर पाऊंगा मुझे ऐसा पर्सनली फील होता था दैट्स वो मैं डिसीजन ले पाया अगर आपको भी ऐसा ही कुछ फील होता है आप भी उसी कैटेगरी में हैं जिसमें मैं था तो आप कर सकते हैं लेकिन अगर आपका कुछ बैकग्राउंड है ऐसा जिसमें आपने पहले थोड़े बहुत रीजनिंग्स और मैथमेटिक्स में आप काफी कंफर्टेबल रहते हैं तो आप वो बोनस नंबर मत छोड़िए वो दस नंबर आपको जी का बॉर्डर पार करा सकते हैं इसका दर्द उन बच्चों से पूछना जिनकी जनरल की जो जनरल कैटेगरी की हैं और उनका नंबर नेट में एक सौ बारह एक सौ तेरह नंबर है और कट ऑफ एक सौ पंद्रह है उनसे इस बात का दर्द पूछना ठीक है तो कई बार यही नंबर काम कर जाते हैं चल मल्टी कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं देखो मानो हमारे पास शुरुआत क्वेश्चन पैलेडियम केमिस्ट्री से हो और अंत कहीं और हो जाए फिर हाँ सर यही क्वेश्चंस तो होते हैं खतरनाक देखो मेरे पास एक अलाइलिक सेंटर पे एक ओएसी ग्रुप था और इसी अलाइलिक सेंटर पे मैंने ग्रुप लगाया दैट इज एस आई एम ई थ्री इसके साथ भी आप लोग वाकिफ हैं कभी लेक्चर सीरीज और चालू करूंगा रियजेंट एक्सटेंड करूंगा आप लोगों को ऑर्गेनोसिलिकॉन ऑर्गेनो सल्फर भी पढ़ाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है सिलिकॉन्स की रिएक्शन सल्फर की रिएक्शन जो पुरानी क्लेडन है वो बहुत उमदा दी हुई है क्लेडन का एक चैप्टर पेलेडियम वाला तो हमने पूरा सॉल्व करा दिया आपको ना अब इसके सामने मान लो हमने डाल दिया क्या अपना पेलेडियम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में तो सबसे पहले पेलेडियम आके लगेगा सर लग गया अब गुड इवनिंग मौसमी कोई बात नहीं पर चलो देर ही सही आए तो सही अब हमारा लोन पेयर सर अटैक मारेगा और OAC being a better living group इसको उड़ा देगा तो इस से जो बनेगा वो तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा बना दिया और इस वाले सेंटर पे क्या लगा है तो Sime group लगा होगा उसको भी लगा देंगे एक्सीलेंट एक कार्बन खा गए सर आप हाँ यार खा गए कार्बन रुको इस सेंटर पे एस आई एम ई थ्री गिरा यहां से अभी रास्ते में आपने एक लिविंग ग्रुप निकाला है दैट इज ओएसी माइनस बिकॉज़ सिलिकॉन की एफिनिटी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के लिए काफी हाई भी होती है जनाब तो यहां से सिलिकॉन फड़फड़ा रहा है कि आप इसको निकाल दें तो सर निकालने के बाद क्या बनेगा देखना ध्यान से इसका पर्टिकुलर कार्बन सेंटर पर नेगेटिव है और यहां से अलाइल कैटाइन कॉम्प्लेक्स अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ भी दू ना तो मैं आपको ऐसे दिखा सकता हूं चीजें कि मेरे पास इस सेंटर पे नेगेटिव है और इस सेंटर पे पॉजिटिव है इसी सेंटर से अगर मैं पेलेडियम को बाइंड करता हूं तो आप बोलते हैं कि ये तीन कार्बनों से जुड़ा हुआ है क्या ये स्टेप समझ पा रहे हैं आप हां जी अब वो कमजोर दिल वाली केमिस्ट्री गई वो जो जीओसी पीओसी पढ़ रहे थे आप थोड़े से अच्छे लेवल की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल ठीक है और कोई बीच में जुड़ेगा तो उसे समझ ही नहीं आएगा ये चल क्या रहा तो जिसको बीच में समझ नहीं आता वो पहले लेक्चर से फॉलो करना चालू कर पैलेडियम केमिस्ट्री की पूरी प्ले है एटोमिस ने तो शायद प्लेलिस्ट अलग से भी बना रखी है ठीक है ना चलो तो इस तरीके से हमारे पास डबल बॉन्ड इसी अलाइलिक कटाइन कॉम्प्लेक्स से यानी ये जो हमारे पास अलाइलिक कटायन बनाए इसके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं अब एग्जामिनर अगर इसी कॉम्प्लेक्स को उठा ले और आपके सामने मानो एक फ्यूरान की रिंग भी डाल दे अभी तो मैं ऐसे अरेंज करके दे रहा हूं कि आपको देखते ही समझ में आने लगे कि करना क्या है हां जी बताइएगा मैं आपको यहां से उठा के किस केमिस्ट्री में पटख दिया है मैंने और यहां से अब मैं आपसे क्या कराना चाहता हूं कौन बताएगा ये हीट का सिंबल क्या कहना चाह रहा है आपसे जी, क्या बात है मजा ही आ गया दीपक वन थ्री डाइपोलर साइक्लो एडिशन कराना चाहते हैं सर आप आ गए हैं पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री के अंदर ऐसे ही खेला खेला जाता है तो सर होगा क्या अब समझे कैसे देखो ये एक फोर पाई सिस्टम है जहां टू इलेक्ट्रॉन और टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इस वाले सेंटर के पास टू पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये जो साइक्लो एडिशन है ये एक फोर प्लस टू साइक्लो एडिशन होगी फोर प्लस टू हमेशा हीट के प्रेजेंस में ही होती है बहुत ही बढ़िया सर अब यहां से जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो एरो की मूवमेंट कैसे होगी ये देखो डबल बॉन्ड मान लो यहां पे ये इधर और ये इस सेंटर ऐसा प्रतीत हो रहा है सर कि सेवन मेंबर की रिंग बनेगी प्रतीत नहीं बनेगी तो फिर बनाओ तो ये ऑक्सीजन जैसे लगा है लगे रहने दो बीच में डबल बॉन्ड दो नए सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हैं सर हमने कौन से हरे रंग के जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं ये हमने दो नए बनाए हैं बहुत बढ़िया डबल बॉन्ड टूटने के बाद इस पर्टिकुलर सेंटर पे पॉजिटिव भी तो आ गया होगा सर हमने कब बोला नहीं आया होगा आया तो है देखो जब मैं किसी पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ देता हूं आपस में तो आप ही बताओ ना कि मैं यहां डबल बॉन्ड नहीं बना सकता क्या अब आधी जनता फैल के फ्लैट हो जाएगी एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो बताओ अगर तुम पहले से प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे ऐसे सवाल मजाल है कि पार्ट सी में तुम हिला दो ये सवाल अभी तो चीजें सेट करके मैं दे रहा हूं तो आसान लग रही हैं वहां पर यही चीजें डिफिकल्ट लगती हैं प्रेशर इतना ज्यादा रहता है एग्जाम का टाइमिंग्स का ठीक है तो ये हैं कुछ मल्टी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जहां एक टॉपिक को मर्ज कर दिया जाता है दूसरे टॉपिक के अंदर बोलो बात समझ में आ रही है तो इसको बनाने के लिए तो वो पेलेडियम केमिस्ट्री का इस्तेमाल कर रहा है और फिर पेरिसाइक्लिक करा ले रहे हैं बोलो बात क्लियर है अगर सर अच्छ, आ गया सर अच्छा कॉन्सेप्ट है बिल्कुल जबरदस्त है। तो पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री के साथ हम ऐसे कर सकते हैं एक सवाल और करें क्या सर लास्ट में क्वेश्चन असाइनमेंट दे दीजिएगा प्रैक्टिस के लिए ठीक है जिया हम अपने साइड से कोशिश करेंगे ठीक है आपका पीएचडी का इंटरव्यू है तो आपका जे आर एफ क्वालिफाइड है तो ये आप सीखने के लिए कर रहे हैं तैयारी मतलब कि क्लासेस अटेंड क्योंकि मोस्टली यहां पे वही स्टूडेंट्स आते हैं मुझे ऐसा लगता है जिनको जे आर एफ क्वालिफाई करना होता है फोर प्लस टू वेरी गुड एक सवाल और करते हैं और इस बार मैं कुछ नहीं बोलूंगा मतलब बताऊंगा नहीं कुछ पहले आपसे पूछूंगा ठीक है इस सेंटर पे मैंने डबल बॉन्ड के साथ यहां एक एस आई एम थ्री रखा और इस वाले सेंटर के साथ मैंने ओए सी रखा और धीरे से चिपका दिया पेलेडियम जीरो ऑक्सीजन स्टेट में और आपसे बोला प्रोडक्ट बनाइए चलिए करिए फिर अच्छा एंट्रेंस दिया था ओके वेरी गुड एक्सेलेट बी एच यू इज ऑल्सो अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी और अगर आप कभी बी एच यू आए तो फिर हमसे मुलाकात भी करिए बनारस हमारा रहने वाला शहर है तो अगर आप कभी पीएचडी करेंगे बनारस से तब तो, तो बहुत बढ़िया हम बी एच यू कभी आएंगे तो हमें बताइएगा चलिए हाँ जी क्या लगता है पहला स्टेप तो प्रोसीड कर ही लोग उसके बाद देखते हैं क्या होगा करिए फटाफट अंजी स्प्रेड पीस मौसमी क्या लग रहा है सिमिलर विथ प्रीवियस वन बट वन सब्सटीट्यूटेड यस सिमिलर टू प्रीवियस वन लेकिन कुछ अलग है इसके अंदर जो मामला दिया है वो अलग है। सोचो 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 हिंट दू अगर हिंट चाहिए तो बताना इसमें भी मर्जिंग करी गई है कॉन्सेप्ट की क्या आप ये पकड़ पा रहे हो क्या कि जब पहला प्रोसेस कराया पैलेडियम केमिस्ट्री वाला उसके बाद क्या उसके बाद आप क्या कर सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर यही है इसका ट्रिकी पार्ट आपको हिंट चाहिए होगी तो बताना मैं हिंट भी दे दूंगा मैं इसके अंदर फाइनल प्रोडक्ट चाहिए होगा तो वो भी दे दूंगा इनोलेट ओके okay, बढ़िया डायरेक्शन तो ठीक है हां जी बताओ भाई रक्षित एटोमिस धनेश्वरी मौसमी स्प्रेड पीस जिया व्हाट डू यू थिंक इसके आगे क्या एक चीज तो तय थी कि यहां पे सर ये जो मामला दिया गया है ये क्यों दिया गया है एस आई एम E थ्री ओ ए सी ग्रुप सबसे पहले पेलेडियम को लगाया सर टिंग 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 टिंग, टिंग। इसके बाद इस सेंटर से अपना कॉम्प्लेक्स बना ये रहा और इस सेंटर पे हमारे पास एस आई एम ई थ्री भी लगा था अगले ही पल में हमने इसको बाहर भी कर दिया और यहां से जो कॉम्प्लेक्स हमने बनाया दैट नेगेटिव चार्ज और मैं इसको फिलहाल ऐसे दिखा सकता हूं पेलेडियम पे पॉजिटिव दिखाने को तो हम इसको यूं भी दिखा सकते हैं कि सर हमारे पास डबल बॉन्ड यहां है पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है और यहाँ पे नेगेटिव है वही सेम स्पीशीज तैयार कर ली है लेकिन इसके सामने हमने कुछ ये स्पीशीज इंट्रोड्यूस किया है और कोई हीट नहीं डाला है मैंने तो पेरिसाइक्लिक तो नहीं लग रही है तो क्या हो सकता है हम्म फाइव मेंबर रिंग वेरी गुड हिंट चाहिए देखो हिंट में ये सोचो इंटरमीडिएट की एक बहुत फेमस नेम रिएक्शन है माइकल एडिशन रिएक्शन सुना है एक स्पीशीज माइकल डोनर और एक स्पीशीज माइकल एक्सेप्टर माइकल एक्सेप्टर क्या होते थे याद करो अल्फा बीटा अल्फाबीटा सिस्टम्स जो होते हैं वो माइकल एक्सेप्टर की तरह काम करते हैं अब हमने कोई अल्फा बीटा अनसे सिस्टम डाला है क्या तो अब पहचानो कि कौन है वो जो माइकल एक्सेप्टर और कौन है वो जो वो माइकल डोनर और फिर सवाल को लपेटे में लो जी, चला दीजिए दिमाग फटाफट गोली की रफ्तार से तो ऐसी सिचुएशन में सर अगर हम यहां देखें तो वन टू थ्री फोर ये हो जाएगा मेरे पास माइकल एक्सेप्टर की स्पीशीज और मेरे पास अनायन तो बना ही है तो ये न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज हो सकता है तो ये हो जाएगा माइकल डोनर स्पीशीज और हम पढ़ते ही हैं माइकल एडिशन रिएक्शन तो बस करा लेते हैं आओ अगले स्लाइड पे तो जगह नहीं है तो नीचे करा लेते हैं नीचे भी जगह नहीं है स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी आई एम सॉरी हां जी आइए तो हमारे पास बना सर क्या अल्फा बीटा अनसेड सिस्टम इस सेंटर पे आर और कार्बोनिल और यहां अपने माइकल डोनर स्पीशीज को रख दिया माइकल डोनर फटाफट अटैक मारेगा और सर वन फोर अटैक करके या फिर कॉन्जुगेट अटैक कर देगा अब यहां से आगे क्या आगे सर अपने आप एक इनोलेट बन रहा है हमने थोड़ी कुछ किया है और इसी सेंटर से कार्बन कौन सा ये वाला और इसके आगे क्या एक एल्कीन कार्बन में झोल नहीं होना चाहिए ये ध्यान रखना इससे हमने बनाई एक सेंटर एल्कीन को ऊपर ना बना के इधर बनाते हैं एक एल्कीन और इसी सेंटर से एक पॉजिटिव ये पर्टिकुलर सिनारियों हमारे सामने है अब आगे क्या अब आगे क्या एंटी मैटर आप मुझे चार और पांच मेंबर की रिंग बता रहे हैं देखो मैं कह रहा था ना कि कार्बन का झोल हो जाता है इस क्वेश्चन में शायद आपने वही कर दिया है ध्यान से देखो ये पर्टिकुलर कार्बन उड़ा तो नहीं दिया आपने क्योंकि मुझे तो लगता है कि पांच मेंबर की रिंग बननी चाहिए थी नेगेटिव इधर अटैक इधर वन टू थ्री फोर और फाइव सो वी आर एक्सपेक्टिंग प्लस फाइव मेंबर फ्यूज रिंग सिस्टम वो माई गॉड तो यहां से जब प्रोडक्ट वा बनेगा तो सर दिस इज माई सी डबल बॉन्डो अगेन आई हैव अ फाइव मेंबर रिंग इस सेंटर पे आर अटैच होंगे कर दिया जाएगा और एक एल्कीन भी बननी चाहिए सर उसको भी कर दिया जाएगा किसने किसने फाइनल प्रोडक्ट ऐसा बनाया है बताइएगा बहुत ही बढ़िया एक्सीलेंट एकदम एक, एक नंबर बात कर दिया आपने ठीक है so सो ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो फाइनल बनेगा इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने कैटाइन और अनायन का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि उससे आपको बेहतर समझ में आता है आप चाहें तो इस पूरे पेलेडियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कोई परेशानी नहीं है अनायन का पहले अटैक कराएंगे और फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा जैसे टिशूजी में हुआ करता था न्यूक्लियो फाइल ही तो अटैक करता था सेम वही प्रोसेस आप यहां भी फॉलो कर सकते हैं ठीक है तो आपके लिए एक होमवर्क छोड़ रहा हूं यही मैकेनिज्म करिएगा लेकिन पेलेडियम का साथ मत छोड़िएगा बिना साथ पेलेडियम का छोड़े प्रोडक्ट बनाइएगा सेम प्रोडक्ट आपका बनेगा ठीक है जी ये हमारी तरफ से आपके लिए होमवर्क सर स्टीरियो मैटर करेगी आर और एच की ये yes, अगर हमें स्टीरियो निकालने को बोलेगा तो मैटर कर सकती है वो डिपेंड करेगा कि ये वाला जो ग्रुप है ना ये हमने किस स्टीरियो से अटैच किया है जैसे मान लो कि ये हमारे पास बिलो द प्लेन से अटैच होगा तो ये बिलो जाएगा और फिर अटैक भी ये जो रिंग फॉर्म होगी वो बिलो से ही होगी यानी ज्यादा चांसेस होंगी कि सिस फ्यूज रिंग्स का फॉर्मेशन होगा अगर स्टीरियो का इंट्रोडक्शन कराएगा ठीक है हमने इस तरह की स्टीरियो वाले पार्ट्स हैक में बहुत किया तो वहां से भी अब आपके अंदर एक आइडिया डेवलप हो गया है कि अगर एग्जाम इन क्वेश्चन में स्टीरियो का खेला खेलेगा तो थोड़ा बहुत तो आप संभाल ही लेंगे हाँ जी बोलिएगा संभाल लेंगे ना एटोमिक्स बिल्कुल सही अगर स्टीरियो बनाना चाहते हो तो सिर्फ ही होगा क्यों के पड़ोसी सेंटर से कोई चेन जिस स्टीरियो में लगी अगर वो नीचे लगा है तो अटैक भी नीचे होगा वो पूरा नीचे से जुड़ेगा ना ऐसा थोड़ी है कि नीचे से घूमेगा फिर वो ऊपर आएगा और फिर यहां से जुड़ेगा ऐसा स्ट्रेन रिंग कौन बनाता है ना? चल आगे आते हैं और आपका फाइनली ट्रोस्टोटिस का मामला खत्म होता है मैंने क्लेडन के हर एक सवाल प्रोस्टिसुजी के निपटा दिए हैं अब आपका फर्ज बनता है कि कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप सॉल्व करें फ्रॉम क्लेडन एंड फ्रॉम एजोफिल उसके इन टेक्स्ट भी सॉल्व कर सकते हैं उसके अनसॉल्वड एक्सरसाइज भी कर सकते हैं ठीक है इतना कर डाला तो पेलेडियम केमिस्ट्री झिंगलाता एकदम रापचिक आई अब हम बात करेंगे किसके बारे में ये पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग होता है आप इस पार्ट को सिर्फ वैकर प्रोसेस के नाम से पढ़ते हो क्या है ये? यहां एल्किन्स के ऊपर अटैक किया जाएगा किसी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा लेकिन यहां जो पैलेडियम इस्तेमाल किया जाएगा वो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में किया जाएगा ऐसा पहली बार होगा कि हम एक पैलेडियम का इस्तेमाल करेंगे और वो भी प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में करेंगे बोलो जी अभी तक जितनी बार भी मैंने पेलेडियम का इस्तेमाल किया था वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में था ऐसा पहली बार हुआ है कि हम पेलेडियम प्लस टू में ला रहे हैं इसकी स्टेप्स को देखना ध्यान से समझना यहीं से आगे जाके मैं वैकर प्रोसेस में मुड़ जाऊंगा और इस पूरी रिएक्शन का वैकर प्रोसेस एक छोटा सा पार्ट होता है वैकर प्रोसेस के बेस पे दूसरे सवाल भी किए जा सकते हैं ठीक है ना आओ देखें कैसे क्वेश्चन नंबर बता देना सर कर लेंगे एंड प्लीज टेक डाउट्स ऑफ द कैरेक्टर्स इन अनदर लेक्चर आई विल ट्राई माय बेस्ट एटोम टू डू सो पर बिकॉज ऑफ शेड्यूल्स क्योंकि बैच के भी स्टूडेंट्स होते हैं मैं इतना समय नहीं दे पाता हूं पर आई विल ट्राई माय बेस्ट कि अभी भी हमारे पास सैटरडे तक सेशन है एक सेशन में तो क्वेश्चन आंसर भी करना है उस सेशन में कोशिश करेंगे ठीक है देखिए इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म में हो क्या रहा है थोड़ी सी फीलिंग लेते हैं प्रोडक्ट के अंदर सर हाइड्रोजन की जगह पे न्यूक्लियोफाइल आ जा रहा है और एल्किन भी अपनी जगह पे बरकरार है अगर मैं आपको ना यही चीज करने के लिए विदाउट पेलेडियम बोल दूं तो आपके पसीने छूट जाएंगे लेकिन आप इस तरीके की सब्सटीट्यूशन करा नहीं पाएंगे तो यही कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको पैलेडियम केमिस्ट्री देती है जहां आप इस तरीके की न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन कर पा रहे हैं जहां आप एक sp2 सेंटर पे हाइड्रोजन को हटा के एक न्यूक्लियो जोड़ पा रहे हैं क्या कभी आप एक एस एन टू मैकेनिज्म मैकेनिज्म से ये सारी चीजें कर सकते हैं सोचना भी पाप हो जाएगा तो यही खासियत है पेलेडियम केमिस्ट्री की ठीक है इसमें आपके पास एक न्यूक्लियो फाइल प्रेजेंट होगा पेलेडियम प्लस टू द एस सी एल पेलेडियम रीजनरेट होता है जीरो स्टेट के अंदर, ठीक है अब ये होता कैसे है इसका प्रोसेस क्या है कुछ सिमिलर प्रोसेस ही फॉलो होते हैं जो हम पीछे ट्रोस में कर रहे थे कुछ वैसी सी फीलिंग आती है देखो मैं एक एग्जाम्पल अच्छा पहले कुछ थ्योरी देख लेते हैं थ्योरी कई बार इग्नोर करना भारी पड़ जाता है आओ देखिए किताब क्या कहती है किताब कह रही है कि बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स जैसे कि पानी जैसे कि एल्कोहल जैसे कि कार्बोक्सलेट्स ये कंपैटिबल होते हैं किसके साथ पैलेडियम प्लस टू के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए और एल्कीन पे अटैक करने के लिए फ्रॉम द साइड अपोजिट दम या आप ऐसे समझें ये देखना ये वाली लाइन पढ़ना द न्यूक्लियो फाइल इज रीजियो ये क्या कह रहा है आपसे? आपसे ये आप कहना चाह रहा है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर जो न्यूक्लियो फाइल की रीजियो सेलेक्टिविटी है वो ज्यादा सेलेक्टिव होता है अटैक करने के लिए मोर सब्सिट्यूटेड सेंटर के ऊपर यानी अगर आप इस एल्किन को देखेंगे तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाह रहा है कहां पर मोर सब्सिट्यूटेड सेंटर के ऊपर हो माई गॉड आइए फिर और क्या बातें हैं द वीकनेस ऑफ दिस रिएक्शन इज दैट द कैटलिटिक साइकिल इज नॉट कंप्लीट कुछ और इंपॉर्टेंट बातें इस रिएक्शन की एक लिमिटेशन ये सामने आती है कि कैटलेटिक प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता जैसे हैक रिएक्शन पढ़ते वक्त या पढ़ते वक्त हम साइकिल को पूरा घुमा देते हैं और हम दोबारा से जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल को रिजनरेट कर लेते हैं लेकिन ये चीज हम यहाँ नहीं कर पाते हैं और हमारे पास पैलेडियम प्लस टू ही एट द एंड ऑफ द रिएक्शन मिलता है जिसे हमें फिर से कुछ अपनी तरफ से ऐड करके ऑक्सीडेशन रिडक्शन करा के उसे एक जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में कन सॉरी उसे जीरो ऑक्सीजन स्टेट से प्लस टू ऑक्सीजन स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ता है यही कारण होता है कि वैकर प्रोसेस में आप कॉपर का इस्तेमाल करते थे अगर आपको याद है तो ठीक है वरना थोड़ी देर में अभी बताऊंगा याद आ रहा है ये सब कोर कॉन्सेप्ट्स हैं। तो कॉपर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि जो कैटलेटिक साइकिल खत्म होती है तो मुझे पैलेडियम ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है इसे रीजनरेट कर ले हम प्लस टू ऑक्सीजन स्टेट में बस इसीलिए कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है देखो अगर मैं कॉपर को प्लस टू ऑक्सीजन स्टेट में ले लू तो कॉपर का खुद का क्या हो जाएगा रिडक्शन कॉपर प्लस टू ऑक्सीन स्टेट से प्लस वन में लेकिन जो पैलेडियम जीरो में था इसका ऑक्सीडेशन और ये प्लस टू में चला जाएगा ये एक रिडॉक्स रिएक्शन हम कराने की कोशिश कर रहे हैं बोलना जी पल्ले पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं हम्म। अच्छा एक चीज हमने ऑब्जर्व करी है जब हम ऐसा भारी भरकम कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं तो लोग बड़े कम इंटरेस्टेड रहते हैं दिस इज रियली वेरी डिसहार्टनिंग क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है लोग उस पर फोकस नहीं कर रहे पर कोई बात नहीं जो कर रहे हैं उन्हें पता है कि क्या इंपॉर्टेंस इन चीजों का और हमें पता है तो हम इसको पढ़ते हैं ठीक है एक्सल तो देखो ये बातें हमने सीखी इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं और करके देखते हैं ठीक है या चलो मैकेनिज्म ही देख लेते हैं देखो मेरे पास एक एल्कीन होगी एज अ स्टार्टिंग मटेरियल बिल्कुल सही बात है सर ये रही अब पेलेडियम हमेशा प्लस टू ऑक्सीजन स्टेट में मिलेगा और ये चीज तो होनी ही है पेलेडियम आएगा और कॉम्प्लेक्स बनाएगा किसके साथ एल्कीन के साथ वो भी बना दिया हमने अगले स्टेप के अंदर जो भी न्यूक्लियो होता है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड सेंटर के ऊपर अटैक मारता है ठीक है सर क्या ये सभी स्टेबिलिटी का मामला होता है कौन सा मामला कहां पर स्टेबिलिटी समझ नहीं पाए देखना तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ना किस सेंटर पर इस पर्टिकुलर सेंटर पर क्योंकि ये मोर हिंडर्ड साइड पे इसकी सेलेक्टिविटी है तो ये लेस हिंडर्ड से वापस से पेलेडियम के ऊपर अटैक में होता है इस स्टेप को क्या बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक तो पेलेडियम सेंटर के ऊपर अब इस पर्टिकुलर ए और बी सेंटर में बी सेंटर पे तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया ये रहा और ए सेंटर से पेलेडियम आके लग जाता है क्या बात इस तरह का आपके पास एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है हम एक पाई कॉम्प्लेक्स से एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स के अंदर उतर आते हैं जब न्यूक्लियोफाइल मोर हिंडर्ड सेंटर पे अटैक करता है और लेस हिंडर्ड सेंटर से पेलेडियम के ऊपर अटैक होता है इस सिलसिले में अटैक होने के बाद आपका एक सीएल बाहर भी निकल जाता है नाउ अगला स्टेप होता है बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन जिस भी सेंटर से पेलेडियम अटैच है अल्फा अगला सेंटर योर बीटा तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया है और इसी के पूछे तो पूरी जंग है कि ऐसा प्रोडक्ट बनेगा कैसे जनरेट होने वाला पेलेडियम आपके पास इस सेंटर पर प्लस टू में होता है रिडक्टिव एलिमिनेशन कराने के बाद प्लस टू से जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है लेकिन एक समस्या है सर अब हमें कैटलेटिक साइकिल दोबारा चालू करनी है तो मुझे इसे प्लस टू में लेके जाना पड़ेगा तो ये जो क्वेश्चन मार्क है वहां पे कोई मेटल का इस्तेमाल करेंगे जो इसको ऑक्सीडाइज कर दे जीरो से प्लस टू में कॉपर यहां बेहतरीन तरीके से काम करता है क्या आप इन बातों को डाइजेस्ट कर पा रहे हैं जी बोलिएगा ये कॉपर का क्यों इस्तेमाल कर लिया मैंने ये समझ में आ रही है बात मुझे कैटलेटिक साइकिल दोबारा चालू करनी है ऐसा थोड़ी है कि एक बार रिएक्शन करके बंद हो जाना है नहीं सिस्टम बार बार चलता रहे अच्छी एफिशिएंसी हो रिएक्शन की इस वजह से तो ये मोटा मोटी हमें मैकेनिज्म के बारे में पता लगा इसको छापिए ये इंपॉर्टेंट है नोट्स में होना चाहिए अब मैं इसी न्यूक्लियो को बस चेंज करूंगा और मेटल स्पेसिफाई कर दूंगा और हम धीरे से वैकर प्रोसेस में पहुंच जाएंगे मैं सोच रहा था कॉपर से मेटलेशन होगा अरे नहीं नहीं नहीं।, नहीं। क्रॉस कपलिंग रिएक्शंस पीछे ही छूट गए अब अब नहीं अब नहीं ठीक है चलो अब हमारे पास अगला स्टेप देखते हैं एक क्वेश्चन करके देखते हैं ठीक है देखो हमारे पास एक एल्कीन है मैकेनिज्म भी आपको दिख ही रही है सबसे पहले पेलेडियम बाइंड होगा इस सेंटर पर ओ है और इस सेंटर पर ओ है इन्होंने जो न्यूक्लियोफाइल चूज किया है वो एन का इस्तेमाल किया है हम भी यही इस्तेमाल करेंगे इस केस में दोनों ही सेंटर सिमिलर हैं नो प्रॉब्लम तो सर हम एक सेंटर से अटैक करेंगे दूसरा सेंटर पेलेडियम पे ओ को बाहर करेंगे न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराया हमने पेलेडियम सेंटर से अब ये आर ग्रुप आके डायरेक्टली अटैच है इस पर्टिकुलर सेंटर पे आपका है और यहां से एक और आर ग्रुप है ओ एसी ग्रुप बाहर जाने के बाद हमारे पास मामला ऐसा बन चुका है पेलेडियम जिस सेंटर से अटैच होता है उसे अल्फा और अगला सेंटर बीटा बोलते हैं सर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन कराने के बाद हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो प्रोडक्ट के फॉर्म में सामने आएगा देखिएगा एक सेंटर पे एल्कीन है एल्कीन के साथ इसी सेंटर पे ओएसी ग्रुप इसी सेंटर पे आर ग्रुप और आर और आर एक दूसरे के एंटी बरकरार थे बरकरार रहेंगे और आपके पास यहां से पैलेडियम निकलेगा जिसके ऊपर कौन सा ग्रुप एक ओएसी ग्रुप और एक एच ग्रुप इसका रिडक्टिव एलिमिनेशन कराने पर एसिटिक एसिड असेट बाहर हो जाएगा और पैलेडियम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में रीजेनरेट हो जाएगा गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखिएगा वैकर में एम फ्रेम कर रहा होगा काफी डीप जाके पूछेगा बताइए कॉपर मेटल का क्या काम है आप उसे चीख चीख के बताइएगा कॉपर मेटल का काम यही है कि वो इस पेलेडियम जीरो को पलेडियम प्लस टू में लाना चाहता है वो इस बंद इंजन को फिर से चालू करना चाहता है बोलो बात समझ में आ रही है क्या जी क्या बातें डाइजेस्ट हो रही हैं क्या बिल्कुल बढ़िया आइए आपके सामने एक क्वेश्चन पटकता हूं इस बार मैं कुछ नहीं बताऊंगा लेकिन पहले कुछ और बताऊंगा फर्स्ट ऑफ अप्रैल से हमने एक लाइव बैच स्टार्ट किया है जो कि दिसंबर वाले एग्जाम को टारगेट करेगा अगर आपको तो लगता है कि आप थोड़े स्लो पेस से बढ़िया धीरे धीरे मस्त तैयारी करना चाहते हैं तो मस्त इस बैच में एनरोल हो जाइए और हमसे वन वन टू लाइव में हैं जोड़ सकते हैं आप रिकॉर्डेड कोर्सेज ले सकते हैं अगर आप कहीं जॉब करते हैं आपको तो समय नहीं मिलता है यू कैन प्रेफर दिस ऑल्सो टेस्ट सीरीज सभी के लिए मस्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पंद्रह मई से हर एक बच्चा टेस्ट सीरीज देने लगेगा जो जून एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है अगर सिलेबस सही समय पे कवर हो रहा है तो 15 मई से टेस्ट देना चालू कर देना है ठीक है ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ जैसे भी दे रहे हो लेकिन चालू कर देना है चल, थर्टी परसेंट ऑफ यूज कर सकते हैं आप आई एक सवाल हमने आपके सामने पटका है क्या आप इसका प्रोडक्ट बना सकते हैं एटोमिस कह रहे हैं सर मैं जॉब छोड़ रहा हूं एटोमिस और फिर उसके बाद एक डिसीजन ठीक है और अगर आपने कुछ सोचा है तो आई होप कि आपने कुछ बढ़िया ही डिसीजन लेके सोचा होगा सर मैं रिकॉर्डेड में हूं उसको ही लाइव में चेंज कर सकते हैं ऐसा ऑप्शन कुछ होना तो चाहिए आप एक बार टीम से कॉन्टेक्ट करना है टॉमिस वो आपको कुछ इन्फॉर्म जरूर करेंगे हां जी बनाइए लीजिए आर ग्रुप अलग अलग कर दिया धनेश्वरी दूसरा क्वेश्चन डाल दिया हमने आपके सामने इसमें अब आपको सोचना है कि प्रोडक्टवा क्या बनेगा वसु का कहना है कि सर पांच मेंबर्ड की रिंग बनेगी क्या सभी लोग वसु से सहमत हैं या सभी लोग वसु के खिलाफ है आए पेलेम सीएल टू चीख चीख के मैं प्लस टू ऑक्सीजन स्टेट में हूं मैंने कहा ठीक है चीखो मत इस सेंटर पे पेलेडियम और इसके ऊपर एक सीएल और एक सीएल नाइट्रोजन सेंटर इस पर एक हाइड्रोजन और यहां एक आर ग्रुप भी है लोन पेयर क्या करेंगे सर लोन पेयर देखने तो आए नहीं है अटैक करेंगे और इनकी रीजियो सेलेक्टिविटी होती है कि सर ये मोर हंडर्ड सेंटर पे करेंगे और पांच की रिंग बनाने के लिए तो ये भी फड़फड़ा रहे हैं दूसरे साइड से पेलेडियम सीएल ग्रुप बाहर हो जाएगा वाओ इतना आसान हो गया ये तो एक मेंबर्ड की रिंग यहीं से एक पांच की रिंग जिसमें नाइट्रोजन होगा और इस वाले सेंटर से पेलेडियम अलॉन्ग विधअ सीएल अब अगला स्टेप क्या होगा सर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन अल्फा सेंटर और ये है बीटा सेंटर बीटा सेंटर से हाइड्रोजन बाहर और जब प्रोडक्टवा देखा जाएगा तो हमारे पास एक फाइव में रिंग नाइट्रोजन और इस सेंटर पे एल्कीन बताइएगा क्या ऐसा वाला ही प्रोडक्ट आपने बनाया है क्या वसु कह रहे हैं तो इजी और तेजी था बहुत बढ़िया लेकिन मान लो कि ऑप्शंस ऐसे दिखाई दें टिंग 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 छ मेंबर्ड की रिंग पांच मेंबर्ट की रिंग बनाई एग्जामिनर ने ठीक है नाइट्रोजन के इस वाले सेंटर पे डबल बॉन्ड और यहां सी एस थ्री ये क्या हो सकता है ये जो नीले रंग का मैंने प्रोडक्ट बनाया है क्या ये हो सकता है क्या और अगर आपको उस काले वाले से इस नीले वाले पे आना है तो आप क्या करोगे और इस स्टेप को क्या बोलते हैं अपना दिमाग दौड़ाना चालू करो एक बड़ा फेमस स्टेप है आप देखो तो सही एक बार एक बार फाइव मेंबर ड्रिंक की दिली इच्छा तो पूछो कि वो वहां खुश है या ये यहां खुश है पूछ के देखो फाइव मेंबर ड्रिंक से खुद ही बताएगी वो जी फाइव मेंबर ड्रिंक नीले वाले में ज्यादा खुश रहती है या काले वाले में ज्यादा खुश रहती है कौन बताएगा ये अचोमिस दीपक सुप्रिया प्रीति आप सभी से ये सवाल है प्रीति ने तो कबूल दिया सर ये नीले वाले में ज्यादा खुश रहती है यहां एरोमेटिक कैरेक्टर्स इसके पास हैं, तो बिल्कुल रहेगी इस स्टेप को एक नाम दिया जाता है इस स्टेप को हम कहते हैं एल्कीन की आइसोमराइजेशन कराइए ये क्या बला है सर एल्किन की आइसोमराइजेशन का मतलब होता है कि हम की पोजीशन को बदल रहे हैं ऐसा करने के लिए चुटकी भर बेस बूस भी डाल दोगे तो काम हो जाता है देखो अगर हम इस वाले सेंटर से एच प्लस का लॉस करा के यहां से पकड़ा दें यानी बेस की मदद ले लें तो क्या ये सिस्टम ऐसा नहीं हो जाएगा और फाइव मेंबर्ड की घर में भी खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी यही कारण है कि प्रोडक्ट फाइनल ऐसा दिखाई देगा आप वहां तक तो पहुंच जाओगे हां जी समझ में आया बिल्कुल सही वसु ये एक इंडोल के रिंग का फॉर्मेशन है एक्सेलेंट क्लियर है इज दिस क्लियर तो अगला सवाल आपका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है देखें क्या बहुत ही बढ़िया अगला सवाल ये देखो क्या इस रिएजेंट को पहले कहीं देखा है क्या ऐसा लग रहा है कि इससे पहले पाला पड़ चुका है लेकिन इससे पहले चीजें समझ नहीं आती थी आज ये चीजें समझ में आएंगी और आप मैकेनिज्म खुद ही करोगे मैं हाथ से कुछ लिखूंगा भी नहीं करो फटाफट ट्वेल्थ क्लास में देखा है ओ माई गॉड बहुत पहले ही देख लिया है वैकर ऑक्सीडेशन वसु कहना चाह रही है वैकर ऑक्सीडेशन है ओके। okay, क्या सभी लोग सहमत हैं बोलते नहीं हो यार आप लोग। अरे कुछ बोलो यार सिर्फ शांति से सुनते ही रहते हो लिखते ही रहते हो पार्टिसिपेट करिए कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए बहुत बढ़िया इसी के लिए तो सारे ड्रामे हैं इसी रिएक्शन के लिए तो सारे ड्रामे इतने किए गए हैं यह है ही आपका वैकर प्रोसेस वैकर वैकर का एक ही काम एक ही नारा एक ही काम जो भी टर्मिनल हैं उनको कीटोन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा यही है वैकर प्रोसेस का काम बोलो बात समझ में आ रही है नहीं लेकिन कैसे ये होता कैसे है वो आप खुद ही कर सकते हो जो जो प्रोसेसेस मैंने अभी तक बताए हैं स्वयं बनाइए करिए यस क्या बताया हमने शुरू में सर आपके पास एक एल्कीन होती है एक आर ग्रुप लगा होता है एक पेलेडियम होता है इस पे दो सीएल होते हैं प्लस टू ऑक्सीजन स्टेट में हमारी पेलेडियम होती है वाटर का मॉलिक्यूल आता है पानी ही हमारा न्यूक्लियोफाइल है जो मोर हेंडर्ड सेंटर पे अटैक करके यहां से अटैक करके सीएल को आउटिंग्स कर देता है और फिर इस पर्टिकुलर सेंटर पे एक ओ OH, एच यहां से आर भी जुड़ जाते हैं इस पे एक सीएल भी होता है अगला स्टेप बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन का होता है बीटा सेंटर से हाइड्रोजन पकड़ने के बाद हमारे पास कुछ चीजें होती हैं सर यहां एक एल्किन इस सेंटर पे एक ओ OH और इस सेंटर पे एक आर ग्रुप का फॉर्मेशन होता है इसके साथ पैलेडियम निकलता है जो कि एच और सी के फॉर्मेट में होता है एस का रिडक्टिव एलिमिनेशन कराने के बाद हमें एस मिलता है और पैलेडियम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है इस जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से इसको प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाने के लिए हम कॉपर प्लस टू का इस्तेमाल करते हैं और इस कॉपर को प्लस वन में लेके आते हैं कॉपर के खुद का होता है रिडक्शन और हमारे पेलेडियम का होता है ऑक्सीडेशन लेकिन ये बताओ ये साइकिल एक बार चलेगी दो बार चलेगी और फिर बंद हो जाएगी पूछो क्यों क्योंकि कॉपर तो प्लस वन में चला गया अब कॉपर को भी तो दोबारा प्लस टू में लाना पड़ेगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा क्या कर क्या सकते हैं हम यहां से जी, सोचो जरा क्योंकि यार कॉपर भी तो चेंज हो रहा है और मुझे तो कैटलिटिक साइकिल चलानी है लगातार चलानी है कैसे चल सकती है जी, सोचिए कौन बता सकता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो होते हैं जो खुद तो रिड्यूस होते हैं सामने वाले को ऑक्सीडाइज करते हैं आप मुझे बताओ अगर मैं सोल्यूशन में O2 डाल दूं, O2, ऑक्सीजन फिलहाल किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है अगर ऑक्सीजन वाटर में कन्वर्ट होता है तो बताना इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है क्या मैं इसको टू माइनस कर सकता हूं अगर कोई चीज जीरो से टू माइनस में कन्वर्ट हो रही है इसका मतलब इसका खुद का क्या हो रहा है अरे बोलो यार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी तो पढ़ते हो रिडॉक्स भी तो पढ़ते हो इसका खुद का रिडक्शन हो रहा है ये इलेक्ट्रॉन खा रहा है तो सर इसको यहां से लाने में ऑक्सीजन मदद कर सकता है बोलो बात समझ में आ रही है या नहीं यानी अब इसी साइकिल को मैं ऐसे भी दूं तो कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए कैसे ऐसे हां जी बोलिएगा और O2 की कमी तो है नहीं हमारे पास O2 ही O2 है हमारे पास बोली बात समझ में आ रही है ये लास्ट में जो खिचड़ी पकी ये समझ में आया और अच्छी बात बताऊं हमें इन चीजों से मतलब ही नहीं है हमें मतलब है कि मेरे इस एल्किनोआ के साथ क्या हुआ इसको टॉटोमराइज करा के देखो ये एक कीटोन फंक्शन रूप में कन्वर्ट हो गया है हम वैकर प्रोसेस के नाम पे यही तो पढ़ते हैं सर टर्मिनल को कीटोन में करना है रट्टा मार रखा है अंदर क्या होता है भगवान जाने बोलो बात समझ में आ रही है या नहीं क्या ये रिएक्शन फील हो पा रही है अब गलती तो नहीं करोगे छोटे छोटे स्टेप्स को पकड़ना है हमें हाँ जी प्रीति धनेश्वरी तरुण एटॉमिस दीपक ऋण देन, सभी लोग बताएंगे सोनीपाल बढ़िया डाइजेस्टिबल है कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है चलो बढ़िया तो बस खेलते हंसते तुमने वैकर प्रोसेस समझ लिया वैकर के ऊपर जो दूसरी रिएक्शन होती है तुमने वो भी कर लिया तो बस आज का कार्यक्रम इतना ही रखते हैं यार इसको भी समझाएं क्या कल करा देते हैं ठीक है इसको एक्सप्लेन कर देंगे यही जो हम राम गाथा गा रहे हैं वो इसमें लिखी हुई है ठीक है हमने भी यहीं से पढ़ी है, यहीं से सीखी है। और ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे करके दिखाया हुआ है ठीक है ना चलो दैट्स इट फॉर द टूडेज लेक्चर बाकी के कारनामे ये सब क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को होमवर्क कर लेना बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये जबरदस्त वाला स्टार लगाओ सवाल आएगा चार नंबर में आएगा आदि जनता फ्लैक्ट क्योंकि पता ही नहीं है ठीक है ये सवाल मार्क करो करके आना इसको ठीक है बाकी आज के लिए इतनी था हमारे पास आपके लिए बाकी की जानकारियों के लिए अगले एपिसोड में कनेक्ट करेंगे आने वाले एपिसोड में मैं ग्रफ्स कैटलिस्ट भी इसी सीरीज में खत्म कर दूंगा उसके थंबनेल पे पैलेडियम केमिस्ट्री लिख गया है गलती से यह मत सोचना पैलेडियम का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ओएमसी एम सी फीलिंग आ रही है तो लगे आ तो ग्रफ्स भी लपेटे में ले लेंगे ठीक है ना चलो थैंक यू सो मच टेक केयर बाय बाय और मुलाकात होगी कल पांच बजे फिर से और उम्मीद करते हैं ये सेशन वाकई में आपके लिए यूजफुल हो रहे हैं और पर्टिकुलरली उनके लिए जो YouTube पर फ्री कंटेंट ढूंढते हैं और ऐसा क्वालिटी कंटेंट कहीं मिल नहीं पाता एक जगह प्लेलिस्ट बन चुकी है इसको फॉलो करें और अपने पैलेडियम केमिस्ट्री से छुटकारा पाएं थैंक यू सो मच टेक केयर बाय बाय मिलेंगे कल्स कब पांच बजे तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग